चलिए आपको इतिहास के गलियारों में एक बार फिर लिए चलते हैं और यादें ताजा करते हैं उस युद्ध की, जिसमें गाथा है एक देश के अपने पड़ोसी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, अपने पड़ोसी के साथ मैत्रीय संबंध जोड़ने की, दिलों के तार मिलाने की और एक देश के पीठ पर छुरा घोंपने की, दोस्ती के नाम पर दुश्मनी निभाने की, सभ्यता के संघर्ष की, मूल्यों के अंतर की। इतिहास के इस सफर में जहां जीत की खुशी है, वहीं गहरा दर्द भी है। जहां हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी पर सारे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, वहीं अपने बहादुरों के खोने की असह्य पीड़ा भी है। कारगिल की इस अनोखी दास्तां में मानवीय संवेदनाओं का हर रंग हर रस मिलता है। वैसे तो कारगिल की कहानी का उद्भव इतिहास के पन्नों में देश के विभाजन के समय से ही देखा जा सकता है, लेकिन हम इस प्रसंग को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा, जिसे सदाए सरहद से जाना जाता था, से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की ये बस यात्रा अपने आप में कई कारणों से इतिहास रचने वाली थी। वाजपेयी जी स्वयं इस बस में अपने देश की ओर से दोस्ती का पैगाम लेकर जाने वाले थे। एक नई शुरुआत थी, एक नया संदेश था, शत्रुता को भुलाकर दोस्ती और सद्भाव के शुभारंभ का संदेश। कारगिल जम्मू कश्मीर का वो पहाड़ी क्षेत्र है जहां भयंकर सर्दी पड़ती है। कारगिल से सटा द्रास दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। कारगिल की बर्फीली चोटियां भारतीय सीमा पर प्रहरी का काम करती हैं। पहाड़ियों के उस ओर पाकिस्तान की सीमा है। आपसी समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के सैनिक शीत ऋतु में अपने मैदानी चौकियों पर लौट आते थे। ऐसा कई वर्षों से होता आ रहा था, लेकिन इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा था। 1948 में कश्मीर, फिर सियाचिन और अब कारगिल में पाकिस्तान की विकृत मानसिकता अपना खेल खेल रही थी। प्रधानमंत्री वाजपेयी जब अमन, चैन, भाईचारे और सद्भाव की बात कर रहे थे, मुझे इस बात के लिए खुशी थी कि मैं 21 साल के बाद फिर से अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर आपके बीच में आ रहा हूं। लेकिन अफसोस इसलिए था कि हमने इतना वक्त आपसी रंजिश और कड़वाहट में बिता दिया। भारत और पाकिस्तान जैसे दो महान देशों के बीच 50 सालों तक आपसी मनमुटाव चलता रहे, ये शोभा नहीं देता। हमारा यह फर्ज है कि हम अपने लोगों की उम्मीदों और इच्छाओं के अनुसार भरोसा और भाईचारा पैदा करें और दोनों देशों के बीच सहयोग का मजबूत ढांचा खड़ा करें। ठीक इसी समय पाकिस्तान के सैनिक कारगिल की चोटियों पर भारतीय सीमा के भीतर अपना अनैतिक और अवैध कब्जा जमा रहे थे। आइए जानते हैं उस समय का वृतांत। जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसेज लीग के प्रधान सेवानिवृत्त मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल से। कारगिल की लड़ाई हम पर थोपी गई थी। हमें पता भी नहीं था कि पाकिस्तान हमला करने वाला है। कई सालों से कश्मीरी पंडित को भी कश्मीर से निकाल दिया था। क्या हुआ कि इंडियन आर्मी ने मिलिटेंसी पर काफी काबू पा लिया। जब कश्मीर में नॉर्मलसी देखी तो पाकिस्तान घबरा गया। घुसपैठी की लड़ाई जारी रखी और कुछ ट्रूप्स को चुपचाप लेके कारगिल के पीछे इकट्ठा किया विंटर में, और जैसे ही मौसम खुला तो कारगिल में घुसपैठ कर दी। तो इसका मतलब तंग होके पाकिस्तान ने ये 99 में ये किया हमारे ऊपर अटैक, इन दिनों ही अप्रैल मई में। तो उस बहुत मुश्किल लड़ाई को इंडिया ने जीत लिया और 26 जुलाई को सीज फायर हो गया और उसमें हम उस दिवस को अपना विजय दिवस मनाते हैं। तो ये बड़ी पाकिस्तान के साथ हमारी ऐसी लड़ाई है। आप कहें हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट बात हो, लेकिन होती नहीं। तो ये दिन हम इसलिए मनाते हैं कि हम याद रखें कि ये आजादी कैसे हमने हासिल की है और इसको हमने कैसे कायम रखना है। कारगिल युद्ध में अपने शौर्य के बल पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले हवलदार राम सिंह अपने अनुभव हमसे यूं साझा करते हैं। मैं प्रोग्राम में था
पहले तो हमें बताया नहीं गया, वो रहे कि दुश्मन ने हमारा एक बैंकर ले लिया है, उसको लेना वापस। मैंने अपने मन में सोचा कि एक बैंकर लिया दुश्मन ने तो इतनी नफरी इतने आदमी क्यों ले जा रहे हैं। तो उधर आगे गए तो देखा तो उधर तो दुनिया भर की बहुत खेती हुई है, उधर देखो तो मोर कुछ और ही था। तो बहुत जारी में थे सारे कपड़े वाले भी, बस फिर उसके बाद शुरू हो गई लड़ाई, काफी नुकसान हुआ हमारा भी उनका भी। वो तो हमारे अंदर घुसे थे ना हमारे इलाके में, तो हमें इस बात का बहुत गुस्सा था कि हम आपके इलाके में नहीं, आप क्यों आगे थे। तो गुस्सा था कि इनको नहीं छोड़ना, इधर से भगाना ही भगाना है। कारगिल युद्ध में भाग ले चुके सैनिक विजय कुमार और अजय पठानिया ने अपने अनुभव हमसे साझा किए। मैं विजय कुमार 28 राष्ट्रीय राइफल में था। सबसे पहले हमें यहीं बताया गया था कि कोई नॉर्मल ऑपरेशन होगा, परंतु जैसे जैसे हम सब वहां पर पहुंचे वह नॉर्मल ऑपरेशन से कई गुना ज्यादा था। और वहां का रास्ता इतना कठिन था कि पूछो मत, जो दिन में आदमी तय नहीं कर सकता था वो हमने रात को तय किया। और लड़ाई के दौरान हमारे जो साथी शहीद हुए थे, चार चार पांच पांच दिन हम एक ही बंकर में रहते थे और रात के समय शहीद मित्रों को रोब के जरिए नीचे उतारते थे और वहां से खच्चर वगैरह पर उनको लोड करके जहां तक गाड़ी का रास्ता होता था वहां तक हम छोड़ते थे। मेरा नाम है अजय पठानिया और मैं इंडियन आर्मी में सर्विस करता हूँ। मेरी यूनिट है जो वो है कटिंग जैसे। तब हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट में थे और सोपर में थे। ये 99 में मई जून की बात है जब हल्ला हुआ था कारगिल का कि घुसपैठियों ने हमारा इलाका जो है कवर कर दिया है। टोलो लैंग पे सेकंड राजपूत थी, उन्होंने कब्जा कर रखा था, तो वो काफी वहां पे उनकी खतरनाक फाइट हुई है दुश्मन से, फिर उन्होंने इलाका लिया है। वो डेल्टा कंपनी के जो कंपनी कमांडर थे कैप्टन विक्रम मित्रा, जो बाद में परमवीर चपली, वो भी हमारी यूनिट में थे। राइफलमैन संजय था, इनको अवार्ड मिला है 4875 जो हमें मॉस्को वैली में है। जो राइफलमैन संजय कुमार थे ये चार्ली कम, और तो राइफलमैन संजय कुमार का ऐसा था कि जब इनको टास्क दिया गया एक पोस्ट के ऊपर, ये एक सेक्शन इनको अटैक करने के लिए दिया, तो क्या किया जैसे ये ऊपर चढ़ रहे थे वहां से एक इनकी UMG की पिका गन थी वो फायर कर रही थी। तो राइफलमैन संजय कुमार ने क्या किया कि जैसे भी क्रॉलिंग करके गन की बैरल को हाथ से पकड़ के नीचे खींच दिया। आप आइडिया नहीं लगा सकते कि जो जब हथियार फायर करता तो जो उसकी बैरल होती है वो आग की तरह लाल होती है। तो वो इन्होंने फेंका और पोस्ट के ऊपर चले गए और वहां पे हैंड टू हैंड फाइट की है इन्होंने। इनको वहां वो पोस्ट लेने पे और अपनी नफरी को आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाने के लिए अकेले नहीं थी हिम्मत दिखाई, इसलिए इनको वहां पे परमवीर चक्र दिया गया। अपने अदम्य साहस, अटूट विश्वास और अपने साथियों की रक्षा करने की अद्भुत क्षमता के साथ ही शत्रु सेना से लोहा लेने के कारण सेना के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित राइफलमैन संजय कुमार ने कारगिल युद्ध के बारे में हमें बताया। मैं सुबह संजय कुमार 13 जम्मू कश्मीर एसएसएस में लगता हूँ। कारगिल ऑपरेशन के दौरान हमारा जो पहली जो पोस्ट थी वो CICT शोपुर की राज्य में थी, और उसके बाद जो जून में हमें जो आदेश मिला था वो मिला था कारगिल ऑपरेशन में जाने भाग लेने का, तो हम लोग शोपुर से ही कारगिल में वहां से मूव किया था। जब स्टार्टिंग में आदेश मूव का मिला था तो हमें इस चीज का इतना अंदेशा नहीं था कि वॉर जो होगा ये किस तरीके का रहेगा। लास्ट टाइम पे जब 4 जुलाई रात को हम ऑपरेशन के लिए गए थे तो जो ऑपरेशन था वो हम टाइम भी वहाँ पे लॉन्च नहीं कर पाए, जो हमें अटैक करना था दुश्मन के ऊपर वो हम नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने दुश्मन ने जितने रास्ते थे वहाँ जाने के सब बंद कर दिए थे, जिसमें कि नेक्स्ट पोस्ट के दौरान इस कार्रवाई के दौरान हमारे जो दो साथी थे वो शहीद हो गए और बाकी हम 4 जवान जो थे वो जख्मी हो गए थे। तो हम लोग इंतजार करते रहे कि आगे कौन सी मूवमेंट करेगा और उसके ऊपर हम फिर एक्शन लेंगे। ये तकरीबन जो कार्रवाई थी सुबह 8:30 बजे शुरू की थी हमने, और शाम को 5 बजे हमने दोनों जो ऑपरेशन था उसके देखा था, उसका जो बंकर था उसको फिक्र भी था। वो टाइम था इस वो बिल्कुल कठिन के लिए भी अगर हम सोचते हैं तो वो टाइम कभी नहीं बोल सकते। साथियों, कारगिल युद्ध में हमारे सैनिकों ने जिस पराक्रम का परिचय दिया, जिस प्रकार ऊंचाई पर स्थित शत्रु सैनिकों को खदेड़ा और अंततः भारत को विजयश्री दिलाई, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे उन नागरिकों ने निभाई थी जो सैन्य सामान, खान पान की सामग्री, घायल और शहीद सैनिकों को बेस कैंप तक पहुंचाने का काम करते थे। इस बारे में कर्नल जेपी सिंह हमें बताते हैं। मैं कर्नल जेपी सिंह रिटायर्ड 1999 की कारगिल वार के समय हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड में लेफ्टिनेंट जनरल ARK रेड्डी साहब का स्टाफ अफसर था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। उस समय आर्मी हेडक्वार्टर से ऑर्डर आए कि 6 सिविल पोर्टर कंपनी
खड़ी की जाएं जो आर्मी की मदद करें कारगिल ऑपरेशन में। तो उस समय चीफ ऑफ स्टाफ साहब ने सबेरिया कमांडर साहब जो ब्रिगेडियर चौहान थे उनको बुलाया और बोला कि ये सिविलियन को मस्टर करो। तो उन्होंने 1FOD कमांडेंट कर्नल अमित सरीन, 1FOD फील्ड ऑर्डिनेंस डिपो जो उधमपुर में है जिनमें 1000 और 1200 के बीच में सिविलियन एम्प्लॉयज होते हैं, बोला कि उनकी मदद से सिविलियन पोर्टर्स इकट्ठे किए जाएं और उनको पोर्टर्स कंपनी में एनरोल किया जाए। तो कर्नल अमित सरीन जम्मू के थे, जान पहचान के थे, मेरे पास आए, कहने लगे KP सिंह जी जो बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं हम उनकी मदद लेना चाहते हैं। तो उनसे बात किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा। इसके बाद हम मिले आर्मी को युद्ध क्षेत्र तक सामान ले जाने और लाने वाले जिन्हें पोर्टर्स कहा जाता है, उन्हें कारगिल युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने वाले राष्ट्रभक्त समाज सेवी श्री KP सिंह से। मैं तहसील लखनऊ के टांडा गांव में रहता हूं। जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई तो जैसे आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से कोई कमांड हेडक्वार्टर को आदेश मिले कि 6 पोर्टर्स कंपनियां खड़ी करनी है, तो वहां कमांड हेडक्वार्टर में सब एरिया कमांडर ब्रिगेडियर चौहान और कर्नल JP सिंह साहब ने मुझे फोन पर बताया, कहा कि अब वक्त है आर्मी की मदद करो। तो मैंने कोशिश की अपने नेटवर्क से, पहला जो हमारा बैच नौजवान कोई 400 के लगभग 6 जून 1999 को हमने टांडा से उनको उधमपुर के लिए डिस्पैच किया। उसके बाद 16 अगस्त तक लगातार एज पर जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती थी हम डेली नौजवान भेजते थे। और लेफ्टिनेंट जनरल बम्मी साहब की किताब 429 पेज पर रेजिंग ऑफ टांडा टाइगर्स, वो उन बच्चों को टांडा टाइगर्स का नाम दिया गया। मैं इंडियन आर्मी का बहुत मशहूर हूँ, एक सिविलियन होने के नाते मुझे आर्मी कमांडर्स कमेंडेशन दी गई। जब बच्चे गए थे तब कोई पे नहीं थी, कोई एग्रीमेंट नहीं था, उसके बाद आर्मी ने इनको पे भी दी। जो हमारे साथ बच्चे शहीद हुए उनको एक्सग्रेशिया रिलीफ मिली। अपनी कर्तव्य निष्ठ और साहस भरी सेवाओं के लिए भारत ने इन पोर्टर्स को बाद में टांडा टाइगर्स के नाम से सम्मानित किया। कारगिल की चोटियां लगभग 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर CI डेल्टा फोर्स के तत्कालीन स्टाफ ऑफिसर कर्नल करण सिंह ने कारगिल युद्ध के परिप्रेक्ष्य में हमसे विस्तृत बात की। यहाँ तक कारगिल युद्ध का सवाल है, मैं उस वक्त सर्विस में था और JNK में ही वक्त तैनात था। वो जनरली क्या होता है कि सर्दियों में हम भी पीछे आ जाते हैं और पाकिस्तानी भी अपनी फोर्सें छोड़ के पीछे चले जाते हैं, और यही कुछ कारगिल में हुआ था उस वक्त। और ये कुछ ख्याल में भी नहीं था कि पाकिस्तान इतना धोखाबाजी कर सकता है। पोस्टें थी जो ऊंचाई वाले इलाके थे हमारे, तो उन्होंने धोखे के साथ आके उनके ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद जब हमने एक पेट्रोल हमारी गई थी कैप्टन कालिया के लीडरशिप के नीचे, तो उनका उन्होंने बर्बरता के साथ सलूक किया और उनको सबको ही उन्होंने एनिहिलेट कर दिया था, उनको सबको मार दिया था। जुलाई में ये युद्ध खत्म हुआ था, अपना सीज फायर हुआ था जब हमने डिक्लेयर किया था 27 जुलाई को कि ये भाई हमने अपना इलाका जो था वापस ले लिया था, और इनके काफी कैजुअल्टीज हुई थी। पाकिस्तान ने अपने फौजियों को वापस लेने के लिए भी मना कर दिया था, तो उनको हमने दफनाया था। फिर 2-3 चीजें हैं आगे से, आपने देखा होगा कि ऑफिसरों की बड़ी ज्यादा कैजुअल्टी बाकी भी हुई थी, लेकिन ऑफिसर्स हमारे कैप्टन बत्रा जैसे दिल मांगे मोर टाइगर हिल में जाके, एक मुझे याद है बिहार रेजिमेंट के एक मेजर सरवा नाम थे, उन्होंने पहला अटैक जो दुबा हिल टॉप के ऊपर उन्होंने कब्जा किया था, उनको VRC से नवाजा गया था। इलाका बड़ा कठिन था, उनकी बॉडी जो है वो 42 दिन के बाद रिकवर हुई थी। टोटल जो पूरे हमारी फौज की कैजुअल्टीज हुई थी तकरीबन 500 थी वो, और उसमें 71 तो हमारे JNK के थे, और मैक्सिमम उसमें भी हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ के भी काफी थे, और लद्दाख के काफी थे, इवन वैली से भी हमारे सोल्जर्स थे। और साथ में इसमें एयरफोर्स का भी जो योगदान रहा है वो एक बहुत आला दर्जे का योगदान था। पर पहाड़ों में उन्होंने बम्बार्डमेंट करी थी, वो भी बड़ा काबिले तारीफ है इस लड़ाई की जीत में। कर्नल करण सिंह ने इस युद्ध के उस पहलू को छुआ जो मानवता को शर्मसार करने वाला था। ये वो घटना थी जिसने एक राष्ट्र के दुष्चरित्र को जग जाहिर कर दिया था। कालांतर में युद्ध लड़े जाते रहे हैं, युद्ध के मैदान में दोनों ओर के सैनिक अपने वतन के लिए शहीद भी हो जाते हैं, लेकिन सभ्यता और नैतिकता का तकाजा है कि हम शत्रु सैनिकों को भी यदि वे पकड़े जाएं तो उनके साथ सम्मान का व्यवहार करें, और यदि कोई शत्रु सैनिक युद्ध में अपनी जान गंवाए तो उसके पार्थिव शरीर को सुरक्षित इज्जत के साथ शत्रु देश को सौंप दे,
लेकिन ये वहां होता है जहां शत्रुता दो सभ्य विरोधियों के बीच में होती है। कारगिल में भारत का विरोधी कोई सभ्य शत्रु देश नहीं था, था तो एक कायर शत्रु जिसे शत्रुता भी निभानी नहीं आती, जो बुजदिल की तरह पीठ पर वार करने को युद्ध कला मानता है। हमने बात की कैप्टन सौरभ कालिया के पिता डॉक्टर एनके कालिया से। कैप्टन सौरभ कालिया को उनके पांच साथियों के साथ पाकिस्तानी फौजियों ने युद्धबंदी बना लिया था। फिर जितने दिन कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथी पाकिस्तानियों के हाथ में रहे, उन्हें अमानवीय, जिस पर शैतानियत भी शर्मिंदगी महसूस करे, उतनी क्रूरता से उनके साथ व्यवहार किया गया। सुनते हैं शहीद हुए कैप्टन सौरभ कालिया के पिता के मार्मिक उद्गार। मैं कैप्टन सौरभ कालिया का प्राउड फादर डॉक्टर एनके कालिया हूँ। आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहूंगा, खासकर ऑल इंडिया रेडियो का, जिन्होंने मुझे अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचने का अपना सौभाग्य दिया। उन्होंने रैली में, यहाँ पर जाट रेजिमेंटल सेंटर है, उधर उन्होंने रिपोर्ट किया और उसके बाद उधर से उनकी पोस्टिंग कारगिल में हो गई। तो उसके बाद कभी कभार उनका टेलीफोन आता था और उनके कुछ मतलब पत्र भी आए। ये तो जब न्यूज पेपर में कारगिल में घुसपैठ का समाचार जब पत्रों में आने लगा, कुछ हमें आशंका हुई कि क्या है। उसके बाद बोलते हम थोड़ा सा चिंतित भी हुए। जब हमें न्यूज आई, उसके माध्यम से हमें पता लगा उसका न्यूज और उसकी सैलरी एक ही दिन में आई। पहले हमें सैलरी के बारे में सूचना मिली और उसके कुछ समय के बाद ही ये समाचार मिला। हमने तो एक सौरभ खोया है, हमें हिंदुस्तान से नहीं और के देशों से हमें सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों सौरभ हमें मिले हैं। हम पहुंचे कारगिल युद्ध में शहीद हुए सिपाही उदयमान सिंह के घर और मिले उनके परिवारजनों से, शहीद उदयमान सिंह की माता जी। 99 में 14 की बैसाखी ही, 14-13 को पहुंचा था। दादा जी को बोलता भाई, दादा उदे बोलते चलो मंदिर, भाई मंदिर शिव जी के मंदिर चलो ते जल चढ़ाने। जल गए ते फूल ले, खूब फूल लेकर करता दादू देख भगवान को कितना मजा, कितने फूल चढ़ते हैं इसको भगवान। ये उसे पता नहीं कि मेरे अगर कितने फूल चढ़ने ने, मैं कितने फूले का मालिक बनना। पहले से जब 5 जुलाई के दिन शहीद हो गया था, मेरे को नहीं मालूम था। आज ही मेरे को पर्स है उसका, दिखाऊ मैं आपको। गोलियों से छननी खून का भरा हुआ, मेरे से मांगा बहुत आदमियों ने, मैंने दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? कि जब मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी, तो मेरा अंतिम संस्कार हम दोनों का उससे होगा, आधा आधा करेंगे, आधा मैं लेकर जाऊंगी साथ में, उसका खून लगा है। मैं सोचूंगी मेरा अंत संस्कार उदयमान कर रहा। वीर उदयमान सिंह की माँ द्वारा अपने पुत्र के बारे में उन्हीं की लिखी हुई कविता सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी। उदे मन गया परदेस ढूंढा गली गली मेरा, उदे मन गया परदेस ढूंढा गली गली, माता कांता का राज दुलारा, पिता उमकार के आंखों का तारा, उन अखियों तू चल दाए नी ढूंढा गली गली मेरा, उदे मन गया परदे जावे फौजियो संदेशा लेके, तेरी मदाया मंदड़ा ढूंढा गली गली मेरा, उदे मन गया परदे से ढूंढा गली गली। कर्नल करण सिंह ने जिक्र किया कैप्टन विक्रम बत्रा का। आइए एक बार फिर हृदय को पुलकित करने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा के ये अंतिम बोल सुने। गाइस वर सो हाईली चार्ज्ड अप दैट दे आर वांटिंग दैट सम मोर बंकर्स शुड हैव बीन देयर एंड वी वुड हैव गॉट मोर चैप्स माय कंपनीज सक्सेस की नलवाज, ये दिल मांगे मोर। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले
वतन साथियों। ये बात कैप्टन विक्रम बत्रा ने द्रास की चोटी पॉइंट 4875 को जीतने के बाद कही थी। एक शेरनी ही शेर को जन्म दे सकती है, एक वीरांगना ही कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे शेर पुत्र को जन्म दे सकती है। तभी तो उनके साथी उनको शेरशाह के नाम से पुकारते थे। जब वो प्राइमरी क्लासेस में पढ़ता था तो एक हमारे कुलीग हुआ करते थे अजीत सिंह राठौर, उन्होंने कहा था कि होनहार विरवान के हो चिकनी पात, इस बच्चे में वो गुण है जो ये मिसिस बत्रा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। जब उसकी शहादत हुई तो वो सज्जन भी आए और उन्होंने कहा कि आपको बचपन बहुत ही छोटा था तो मैंने ये शब्द कहे थे, आपको याद है, तो मेरी भी आंखों में से आंसू धारा निकल आई और मैंने कहा ठीक है, ये उसने लोकोक्ति जो है वो खुद ही सिद्ध कर दी है। कारगिल युद्ध ने भारत के अदम्य साहस, अद्भुत संयम और नैतिक श्रेष्ठता का परिचय दिया था। ऐसे मौके होते हैं जब सारा राष्ट्र अपने मतभेद भुलाकर, अपने विरोधाभासों को पीछे धकेलकर, देश की रक्षा के लिए सीना तानकर अपने सैनिकों के साथ खड़ा हो जाता है। आपको लिए चलते हैं कारगिल के एक और नायक शहीद मेजर अजय सिंह जसरोटिया के घर और मिलाते हैं उनकी माता जी से। दुश्मन की गोलियों की बौछार के बीच अपने साथियों को बचाते हुए, भारतीय सेना की उच्चतम परंपरा को निभाते हुए अजय सिंह जसरोटिया शहीद हुए। 99 मार्च में ये छुट्टी आया था तो 30 को यहाँ पहुंचा जम्मू, घर रहा एक दिन और 31 को ये वापस श्रीनगर, सुपर पोस्टिंग थी इसकी, ये चला गया। उसके बाद फिर इसने जुलाई में छुट्टी आना था तो वॉर शुरू हो गई तो नहीं आ पाया। देखो जब बच्चा जन्म लेता है तो एक तो उसकी माँ होती है जो उसको जन्म देती है और दूसरी माँ है उसकी धरती माँ। माँ तो सिर्फ उसको साल दो साल अपना दूध पिला के छोड़ देती है और फिर दूसरी माँ की बारी आती है जो उसको बड़ा करती है, तो उसके लिए भी हर इंसान की जिम्मेवारी है उसको भी बचाना। और जब हमारे बच्चे जब हुए हैं शहीद मातृभूमि के लिए तो उन्होंने हमारा भी नाम रोशन किया है और अपनी कंट्री का भी, तो बड़ा प्राउड फील होता है, मगर जो लॉस है वो तो कभी खत्म नहीं होगा। हमारे लिए उसने जान नहीं दी है, अपने लिए नहीं दी है, दी है उसने देश के लिए। तो जब शहीद होता है कोई भी देश के लिए शहीद हो रहा है तो वो देश का हो जाता है, वो हमारा नहीं रहा अब वो सभी का है, तो सभी को चाहिए कि इन शहीदों को भूले नहीं। अजय सिंह जसरोटिया को उनके शौर्य के लिए मरणोपरांत सेना मेडल प्रदान किया गया। कारगिल युद्ध एक कथा नहीं है, कारगिल घटनाक्रम एक नरेटिव है, एक कथानक है। कथानक मानवीय मूल्यों के भेद का, कथानक सभ्यताओं के संघर्ष का, एक देश की नफरत की राजनीति का, समस्त अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और सहमतियों को धता बताकर आदिम युग की सोच पर चलने वाले देश का, जो दोस्ती, मैत्री, सद्भाव और भाईचारे के हर प्रस्ताव का जवाब धोखे और घात से देता है। कारगिल युद्ध से पूर्व अपनी लाहौर यात्रा सदाए सरहद के मौके पर वाजपेयी जी ने मैत्री और सद्भाव के आमंत्रण दिए थे। कारगिल के बाद हताशा भरे उद्गार भला इन शब्दों से बेहतर और कौन कर सकता है। एक नहीं दो नहीं करो 200 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगर तो बलिदानों से अर्जित है स्वतंत्रता, अगर तो बलिदानों से अर्जित है स्वतंत्रता, शुश्रेद शोणित से चिंचित है स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित है स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित है स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल पूरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे यह मत समझो, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। ये कथानक जितना हमारे शौर्य को दर्शाता है उतना ही हमें सोचने पर मजबूर करता है
कि ऐसे विरोधी से कैसे निपटा जाए जिसका आधार ही छल और कपट है। भारत ने उनके मृत सैनिकों को, जिन्हें पाकिस्तान ने वैश्विक शर्मिंदगी से बचने के लिए ये कहकर अपनाने से इनकार कर दिया था कि ये तो पाकिस्तानी हैं ही नहीं, हमने उन्हें पूरे सैन्य सम्मान मर्यादा और भारतीय परंपरा के अनुरूप भारतीय सैनिक अधिकारियों की उपस्थिति में अपनी भूमि में दफनाया। गर्व होता है ये सोचकर कि हम उस देश के नागरिक हैं जो युद्ध भूमि में मारे गए शत्रु सैनिक के शव को भी वही मान देता है जो एक वीर सैनिक को मिलना चाहिए। शत्रु सैनिक भी तो अपने देश के लिए ही लड़ा था। ये हमारी सभ्यता है, यही हमारी परंपरा है, यही हमारे मूल्य हैं। वो देश कभी मिट नहीं सकता, कभी पराजित हो नहीं सकता, जिस देश की मिट्टी में मेजर पद्मपाणी आचार्य जैसे जांबाज महावीर ने जन्म लिया हो। कारगिल युद्ध में अपनी इकाई की कमान संभालते हुए उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखते हुए कहा कि पिताजी, युद्ध में यदि मैं मारा जाऊं तो व्याकुल न होना, अपने पुत्र पर गर्व करना। मेजर पद्मपाणी आचार्य ने भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दी गई सीख का भी उल्लेख किया। हतवः प्राप्स्यसि स्वर्गम् जीत्वा वा भोक्षसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा, इसीलिए हे कौन्तेय तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। 28 जून को मेजर पद्मपाणी आचार्य कारगिल युद्ध में शहादत को प्राप्त हुए और 14 सितंबर को उनके घर एक सुंदर सुशील कन्या ने जन्म लिया। अपने महानायक पिता के अनुरूप इस बालिका का नाम रखा गया अपराजिता। साथियों, इस कथानक में जितने महानायक हम आपके लिए ला सके उन्हीं और उनके जैसे अनेक वीरों की बदौलत हम आज घूम फिर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। कारगिल एक सत्य है, एक कड़वा सत्य, एक चेतावनी भी है उन शत्रुओं के लिए जो सीमा पार बैठे हमारी बर्बादी की योजना बनाने में निरंतर लगे हैं, एक चेतावनी है देश के भीतर बैठे उनके लिए भी जो भारत की बर्बादी के नारे लगाते हैं, भारत के शत्रुओं का महिमा मंडन करते हैं। कारगिल के इस कथानक की प्रस्तुति हमारा छोटा सा प्रयास था उन सैनिकों को हृदयंगित नमन करने का, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने का जिनका ऋण हम सब भारतवासियों पर है। आपको हमारा शत शत प्रणाम। कुछ पंक्तियां विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में आपसे साझा करता हूं। घिरेगी रह रह कर घटा तिमिर के भीषण में, बवंडर भी घिरेगा क्षणिक बन काल के विपत्स में, कौंध जाएगी कंपित धरा के साथ ही दामिनी गगन में, परंतु सृष्टि फिर भी फिर से शांति लेकर आएगी ही, शांति लेकर आएगी ही।